एक सीन हुआ अभी बाइक के साथ, और वो ये है कि ये इशू मेरे को अभी जाके KTM सर्विस सेंटर बताना पड़ेगा। परमिट बना के लाया। परमिट है ना? विजय संग्राल एक मिनट। क्या कांड कर दिया मैंने? पहला लैंडस्लाइड स्ट्रिप का, बहुत जबरदस्त हुआ है वो भी यार। ये हालत है तो हे गाइज, वेलकम बैक एंड होप यू गाइज आर डूइंग अमेजिंग। आज है डे 10 ऑफ 100 डेज ऑन व्हील सीरीज, और आज मैं जा रहा हूँ, कल मैं रुका हुआ था गुवाहाटी में, और गुवाहाटी में जो स्टे था वो था दिस प्रॉपर्टी, गिबन्स बैकपैकर्स, विच इज 100% आई वुड से नो। सो मेरा एक्सपीरियंस बुरा रहा, बट ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ से सिर्फ एक रात की बात थी, तो यहाँ से आई विल बी गोइंग टू तवांग की जर्नी है। आज जहाँ पे मैं स्टे करने वाला हूँ वो है सांगती वैली, 1300 मीटर्स के एल्टीट्यूड पे है, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल वैली एक्चुअली, बहुत ही सीनिक प्लेस है, एंड लैंडस्केप इज नेक्स्ट लेवल। लेट्स सी कहाँ पे बेटर लगता है, वहाँ स्टे करेंगे, अदरवाइज इफ़ यू कैन डू कैंपिंग और वो प्लेस सेफ है, वहाँ पे अपन कैंपिंग कर सकते हैं, तो अपन कैंपिंग करेंगे। टाइम इज 6:15, ठीक है, वी आर ऑन टाइम, निकलते आगे। और गणपति बप्पा मोरया, ओम नमः शिवाय। और जैसे कि मैंने बताया, सांगती वैली अपन जा रहे हैं, और सांगती वैली का जो डिस्टेंस है यहाँ से कुछ 359-60 किलोमीटर्स का है गुवाहाटी से, और इट विल टेक 8 आवर्स, और 8 आवर्स का 10 आवर्स हो जाएगा अपने को। नाउ टाइम इज 6:24, 6:30, दैट मीन्स 10 घंटे भी अगर मैं पकड़ूँ तो समझो मैं 4 बजे तक पहुँच जाऊँगा सांगती वैली। तो आई विल रीच अर्ली, और मे बी थोड़ा लेट भी हो सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत चिल होते होते घूमने वाला हूँ। कल हमने डिस्टेंस कवर किया था 540 किलोमीटर्स के आसपास, 540 और 560 किलोमीटर्स के आसपास, जिसके लिए अपने को लग गया था 12 आवर्स पहुँचने के लिए। बट हाँ, आज का डिस्टेंस भी 8-9 घंटे का ही है, बट बफर पकड़ के चल रहे हैं कि 10 घंटा लगेगा। चलो हाँ, मिनी व्लॉग्स वगैरह एडिट करने के लिए टाइम जा रहा है, और जो मैं ऑन द गो ही कर रहा हूँ, जो मुझे घर पे पहुँचने के बाद, मैंने कल के व्लॉग्स एडिट किए होटल पहुँचने के बाद, उसमें टाइम चला गया, तो फिर आज का रह गया। अभी आज का भी ऑन द गो कहीं पे ब्रेकफास्ट करने के टाइम वीडियोस वगैरह मर्ज करूँगा, देन ट्राई करूँगा कि वॉइस ओवर भी किसी अच्छे प्लेस पे रुक के दे दूँ, और वो मेरे व्लॉग भी आज कैसे भी टाइम पे अपलोड कर दूँ। सो वो एक सीन हो रहा है, द ब्रिज इज़ गुड, प्लेस इज़ गुड, वेदर इज़ ऑसम। तो कल ऐसा था कि ILP में इनर लाइन परमिट निकाली भी नहीं थी, क्योंकि ऑनलाइन मैंने ट्राई किया था और वो कुछ रीजन्स वगैरह दिखा रहे थे वहाँ पे, कि कौन कौन से रीजन्स और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने मुझे कर, तो वो मैं कंफ्यूज हो गया कि क्या क्या तवांग के अलावा और क्या सेलेक्ट करना है मुझे अगर ये रूट से जाना है तो, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन का जो नाम है वो लोग जहाँ मुझे रुकना है वो लोकेशन का नाम वहाँ पे नहीं आता है, वो ऑफिस का नाम नहीं आता है अभी, वो जो DC ऑफिस जहाँ जहाँ पे भी है, जो अलग अलग लोकेशंस पे, सिर्फ वहाँ का नाम दिखाता है। तो उसकी वजह से मैं नहीं कर पाया था ऑनलाइन, तो मुझे एक भाई मिले थे यहाँ पे, तो उन्होंने मुझे गाइड किया ILP के लिए, तो उनका एक कनेक्ट था जिन्होंने, अभी मॉर्निंग में जस्ट बात हुई उनसे, तो वो मुझे अभी 1 घंटे के अंदर परमिट निकाल के दे देंगे। मैं तो पैसे तो मैंने उन्हें भेज दिए, परमिट अभी आ जाएगा। हिल की चढ़ाई हो गई शुरू, और ये देखो ऊपर पूरा फॉग ही फॉग। सनराइज़ तो बहुत जल्दी हो जाता है यहाँ पे, 4:45 के टाइम पे बाहर रोशनी थी, तो इतना जल्दी सनराइज़ होता है, दिन की शुरुआत इतनी अच्छी हो जाती है यहाँ पे, भाई और क्या चाहिए। जो लोग जल्दी उठते हैं उनके लिए कितना मस्त है यार, फिर वो दिन कितना प्रोडक्टिव होता होगा। अभी आज अपन भी उठे हैं थोड़ा जल्दी, अगर आपको प्रॉपर सनराइज एक्सपेक्ट करना है नॉर्थ ईस्ट में, तो भाई 4:30 अपना राइड शुरू करो या अपना जर्नी शुरू करो, 4:30 आपको प्रॉपर सनराइज़ देखने मिलेगा, नहीं तो भाई चांस ही नहीं है। ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे रुका हुआ था, भाई ने आलू पराठा बोल के मैदे का पराठा खिला दिया, लेकिन ठीक है आ गया तो खा लिया। मैं थोड़ा आगे निकल गया और रास्ता पीछे रह गया, मैप मैंने बंद किया था तो एक लेफ्ट मिस हो गया, तो अभी 2 किलोमीटर से एक राइट है, तो 2 किलोमीटर वापस पीछे जाना है, देन विल टेक राइट।
एक सीन हुआ अभी बाइक के साथ, और वो ये है कि यार सडनली है ना, ये सेकंड टाइम हुआ मतलब हाईवे पे जब मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ, बाइक भाग रही है तो सडनली आई एम लूजिंग एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेट हो ही नहीं रहा है, सेंसर का इशू है या कुछ है। अब हो रही है, नसीब से अब हो रही है। आई थिंक ये इशू मेरे को अभी जाके KTM सर्विस सेंटर बताना पड़ेगा। अभी तेजपुर जा रहा हूँ, तेजपुर आई थिंक 10 किलोमीटर है यहाँ से, और तेजपुर पहुँचता हूँ वहाँ के सीधे एक सर्विस सेंटर पे जाता हूँ, वहाँ के सर्विस सेंटर पे जाके ये प्रॉब्लम रिसॉल्व करता हूँ। सो लेट्स सी, सेंसर का इशू 100%। अभी फिलहाल तेजपुर पहुँचता हूँ, नसीब से 10 किलोमीटर के अंदर ही मेरे को सर्विस सेंटर मिल गया ही, नसीब है क्या बताओ। तो बाइक अभी यहाँ पे दे दिया है, बाइक गई अंदर, और वो सेंसर का इशू है आई थिंक, अभी देखते। तो छोटी छोटी कुछ चीज़ें मुझे ऑलरेडी करवानी थी, मतलब बेसिक जनरल चेक, स्टैंड का भी पूरा बेंड हो गया था आई थिंक, स्टैंड भी चेंज करवा के ले लेता हूँ, स्टैंड चेंज करवाना है, और भी दो तीन चीज़ें देख लेता हूँ, और ये सेंसर का देख लेते हैं, सेंसर का हो सके तो चेंज ही कर देंगे। वो ये मेरी गाड़ी खड़ी है, सेम एज माइन, टाइम यहाँ पे जाने वाला है, वैसे भी अपने पास इनफ टाइम है, शाम में भी पहुँच जाएंगे तो इशू नहीं है तेजपुर से। सो लेट्स सी यहाँ पे कितना टाइम लगता है, कितना घंटा लगता है, करता हूँ अपडेट। नसीब यार सीरियसली कि यहाँ पे मिल गया मेरे को, भाई ने फ्यूल कैप चेंज किया और स्पार्क प्लग चेंज किया, बोलता है स्पार्क प्लग में थोड़ा पानी था उसकी वजह से मैं मिसिंग के चार्जेस है, अभी पानी कैसा था पता नहीं, यहाँ पे आने के पहले मैंने चेंज किया था स्पार्क प्लग, फिर सॉर्टेड है, अभी आगे निकलता हूँ क्योंकि ऑलरेडी लेट है। अभी यहाँ से शाम से 6 घंटे और अभी 12 बज रहा है, बाइक इज हियर, फिर दिखा के मैं निकलता हूँ आगे। अब निकलता हूँ यहाँ से, और सॉर्टेड की नहीं पता नहीं, चेक किया उसने, जो भी पॉसिबिलिटी हो सकता था उसने वो रिजॉल्व किया, मतलब वो फ्यूल कैप हो गया। अभी किसी फॉरेस्ट से होते हुए जा रहा हूँ, और बहुत ही खूबसूरत फॉरेस्ट है, देख लो आप ही, लवली यार क्या प्लेस है, एक बहुत ही प्यारा लोकेशन मिला मुझे, सोचा यहाँ से रुक के जाते, बहुत प्यारा लग रहा है प्लेस, नदी जा रही है यहाँ से मस्त। यहाँ से मस्त एक ड्रोन शॉट लेते, परमिट है ना। गाड़ी एंट्री करना पड़ेगा। ओके। एंट्री पॉइंट। अंदर जाना है। हाँ। नाम बताइए। विजय। विजय विजय। विजय संग्राल। एक मिनट। इन्ना। Out. Out. Yeah. इन लोगों ने रोका ऐसा जैसे कोई क्राइम करके जा रहा हूँ मैं। मैं बोला भाई क्या कांड कर दिया मैंने, तो ठीक है अभी एंट्री तो हो गया, यहाँ से 2 किलोमीटर में पेट्रोल पंप है, वहाँ से भरा के फिर मस्त रिलैक्स होके निकलेंगे अपन ठेंगा बोमडीला, बोमडीला इज 101 जांग 264 तवांग 300 किलोमीटर। ऐसा तो नहीं कि पेट्रोल पंप पीछे ही गया और मैं सीधा निकल रहा हूँ, यहाँ पे भी किसी को पूछ लेता हूँ यार क्या लग रहा है यार। यहाँ से तो नज़ारे शुरू हो गए भाई, वाओ क्या नज़ारा है ये, आई थिंक मैं रुकते रुकते जाने वाला हूँ आज। पहला लैंडस्लाइड स्ट्रिप का
बहुत ज़बरदस्त हुआ है वो भी यार, बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। देखते कितना टाइम लगता है। मैं यहाँ पे लंच खत्म करते करते डेटा ट्रांसफर कर रहा हूँ और अभी थोड़ा वॉइस ओवर करके भी निकलूँगा रील में। सो लेट्स सी, यहाँ पे एक हैंडसम एंट्री हुई है, ये देखो। खत्म करता हूँ फटाफट, मिनी ब्लॉग करके आगे निकलता हूँ, नहीं तो और लेट हो जाएगा। मिनी ब्लॉग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है मेरे को, मैं टाइम पे वॉइस ओवर नहीं दे पा रहा हूँ। काम करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। सवा घंटा मेरा यहाँ पे गया और लेकिन बहुत काम हो गया यार। एक फटाफट मिनी ब्लॉग का वॉइस ओवर, पूरा मिनी ब्लॉग रेडी करके एक घंटे में अपलोड कर दिया। यहाँ पे नेटवर्क नहीं था एयरटेल का, जियो का हॉटस्पॉट कनेक्ट करके अपलोड किया। वो होने तक, वो वॉइस ओवर, वो मिनी ब्लॉग रेडी करने तक मैंने ये, क्योंकि मेरा अभी गोप्रो का SD कार्ड फुल हो गया था, ये भी फुल हो गया था, ये भी फुल हो गया, निकाल के मैंने इसमें डाला था तो ये भी फुल हो गया। तो सीन ये हो गया कि मेरा एक्स्ट्रा जो मेमोरी कार्ड से, मैं नॉर्मली ये बैग में रखता हूँ ऊपर और वो मुझे मिल नहीं रहा है। अब वो सीन क्या, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैंने रखा है, मैंने मिस कर दिया है या कहीं गिरा दिया है, क्या हो गया, नो आइडिया। तो वो एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड्स होते हैं, जब ये SD कार्ड फुल हो जाता है तो मैं यहाँ से निकाल के इसमें डालता हूँ, वो मिल नहीं रहा था। तो फिर मुझे वापस से अच्छा एक रेस्टोरेंट, ये जो छोटा सा ढाबा था वहाँ पर बैठा और मैं सोचा लंच भी कर लेंगे, क्योंकि लंच में भी नॉर्मली 45 मिनट्स। ओह शिट, ओके। तो ये जो लैंडस्लाइड यहाँ पे हुआ था थोड़ी देर पहले, मैंने आपको दिखाया, तो मैं सोचा कि लैंडस्लाइड जब तक क्लियर होता है तब तक मैं यहाँ पे लंच कर लूँगा, डेटा ट्रांसफर कर लूँगा, मिनी ब्लॉग बना लूँगा। वो सब मैंने कर लिया, उसके बावजूद भी अभी तक रास्ता शायद खुला नहीं है, या तो फिर वन वे खुला हुआ है, वन वे गाड़ी आ रही है और दूसरी तरफ से गाड़ी नहीं आ रही है। आई थिंक हाँ, पहले उस तरफ से गाड़ी आएगी फिर यहाँ से गाड़ी निकलेगी। तो यहाँ का लैंडस्लाइड हुआ था जब मैंने देखा, तब क्लीनिंग चल रही थी, वापस 1-2 किलोमीटर पीछे गया क्योंकि वो रेस्टोरेंट मैंने ऑन द वे देखा हुआ था। तो गुड कॉल, अच्छा किया मैं वापस गया, काम भी ख़त्म हो गया उतने में। तो यहाँ पे खड़े रहता पूरा टाइम भी निकल गया होता, कुछ काम भी नहीं होता, तो एटलीस्ट काम हो गया। ये क्या ज़बरदस्त गिरा यार, मट्टी शट्टी यहाँ पे, लैंड स्लाइडिंग ज़बरदस्त हुई है। ओहो, पहला आयरन ब्रिज। और ये यहाँ का व्यू यार, क्या बाप व्यू है यहाँ का यार। राइट में पूरा रिवर है, पूरे रिवर साइड व्यू स्टार्ट हो चुका है अभी फाइनली। क्या स्टीप है यार ये, माँ कसम, उधर को वहाँ पे दिख भी नहीं रहा है, बादल फुल क्लाउडी है वहाँ पे, और ये माउंटेन खतरनाक स्टीप है। बहुत अलग ही लग रहा है यार ये व्यू, मतलब फुल फॉगी है टाइम पे। कितना बज रहा है, 3:30 हो रहा है अभी। मैं कहीं पे ब्रेक नहीं लेने वाला हूँ, 3 घंटे सिर्फ चलाता रहूँगा, क्योंकि लंच मैंने कर लिया है। अब कहीं पे जहाँ पे भी रुकूंगा वहाँ पे चाय शाय पी लेंगे, क्योंकि अभी ETA भी बढ़ गया है, 5:30 से 6:30 हो गया है, जो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लेवल है, पहाड़ों पे आने के बाद है ना, एक मस्त एनर्जी आ जाती है बॉडी के अंदर यार। तवांग यहाँ से 257 किलोमीटर जो अपने को जाना नहीं है। क्या रोड्स है लेकिन यहाँ के, क्या रोड्स है सीरियसली, बहुत अच्छे रोड्स बनाए हुए हैं ऐसे माउंटेन्स पे। पूरा घना घना जंगल है भाई ये माउंटेन, पूरा क्लोज घना जंगल है ये। यहाँ पे सूरज की रोशनी इतने देर से ढकी हुई थी, अब बाहर आई, माहौल बना हुआ है यहाँ पे। 4 बज रहा है, फुल फॉग और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। रास्ता थोड़ा डेंजर लग रहा है अभी, मतलब ऐसा फुल डरावना टाइप लग रहा है अभी। अभी भैया ने बोला कि यहाँ से थोड़ा और संभाल के जाने, उसके बाद एक टनल आएगा, टनल के बाद फॉग नहीं मिलेगा, तो टनल तक थोड़ा केयरफुली जाते हैं और शांति वैली पहुँचने का ट्राई करते हैं। गोप्रो का बैटरी डेड हो गया, उसको वापस से चार्ज पे रखता हूँ, चार्ज पे रख के रखते ही रिकॉर्ड करता हूँ। और ठीक है, ये हालत है, तो आगे निकलता हूँ, आगे मिलता हूँ। अभी यहाँ पर कितना बता रहा है ये भी देख लेते हैं।
6:38 आई थिंक सांगति वाली के पहले कहीं रुकना पड़ेगा लग रहा है। अभी टनल कितना दूर है पता नहीं, थोड़ा दूर बोला भैया ने। मैप ऑन रखता हूँ ताकि मेरे को टर्न्स वगैरह दिखते रहेंगे। आई थिंक टनल भी ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे को दिख रहा है यहाँ से एक स्ट्रेट रोड और वो टनल ही हो सकता है। ओ ये क्या टनल आ गया ना भाई, आ गया टनल। और टनल के अंदर भी फॉग है, बाहर निकलते ही लेफ्ट है लगता है। और बाहर निकलने का तो रास्ता दिख ही नहीं रहा है। ओ मैन, अच्छा ये शार्प लेफ्ट। ओ हो, भाई ने बोला कि टनल से बाहर निकलने के बाद फॉग गायब हो जाएगा। किधर है, कम हो गया है लेकिन गायब नहीं हुआ है, फॉग अभी भी है। आई थिंक आगे आगे के रास्ते और मिलेगा ही। और ये देखो डेंजर है यार, बहुत डेंजर है। हाँ अगर आप लो विजिबिलिटी पे हो या एकदम डार्क है या कुछ है तो ये जो स्ट्रैप है वाइट स्ट्रैप साइड में वाइट लेन जो लाइन जो है कॉर्नर में जहाँ पे रोड एंड होता है और ये आपको फॉलो करना है टर्न्स, ये दोनों आपको टर्न्स के लिए फॉलो करना है अंधेरे में। और स्पीड जितना हो सके उतना कम रखो, सेफ्टी सेफली। अरे मेरा बच्चा, ये देखो ये आ रहा है। खेलने के मूड में हो तो हाँ जितना हो सके उतना कम स्पीड रखो। और भाई हज़ार्ड लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, गाड़ी में नहीं है तो लगवा लो। ओके अगर आप राइड पे निकल रहे हो तो हज़ार्ड लाइट तो बिल्कुल लगवा लो और वो चालू रख के स्लोली स्लोली आगे मूव करो। एंड मेन फोकस रहेगा आपके लेन पे, और जहाँ पे लेन नहीं है ऐसे भी रोड से जहाँ पे स्ट्रैप्स नहीं है तो वहाँ पे भाई कहीं पे रुक जाओ, बहुत ही डेंजर होगा अगर आप वैसे रोड पे आप आगे बढ़ोगे। जब तक कोई गाड़ी नहीं मिलती है साइड में खड़े हो जाओ, जैसी सामने की गाड़ी जाएगी ना तो उसके दोनों इंडिकेटर्स चालू रहेंगे तो उसको फॉलो करते करते स्लोली 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 मूव करना, तो वो सबसे ईजी तरीका है। भाई ने बोला फॉग गायब, तो फॉग गायब। अभी और कहीं और भी मिलने वाला है कि नहीं मालूम नहीं, क्योंकि एरिया तो पूरा फॉगी है ही है, बस यहाँ पे नहीं है। सो लेट्स सी, अब थोड़ा आगे स्लोली स्लोली मूव करता हूँ। ETA बढ़ गया है, बढ़ के हो गया 6:38। मेरे को भी लग नहीं रहा है कि सांगति वैली में मेरे को रुकना चाहिए। देखते कहाँ तक जा रहे हैं अपन। क्या फाड़ भी हो भाई, ये नेक्स्ट लेवल भी हो, सीरियसली नेक्स्ट लेवल भी हो। आई थिंक मैं आधा घंटा और राइड करता हूँ। आधा घंटा राइड करने के बाद जैसे ही डिम होना स्टार्ट हो जाएगा मैं स्टे दिख लूँगा कहीं पे, क्योंकि जितनी स्लो बाइक चल रही है ETA 7 बज जाएगा, ETA और बढ़ता जाएगा क्योंकि मैं एवरेज स्पीड भी मेंटेन नहीं कर रहा हूँ। पहली बार देख रहा हूँ तो देखते हुए चल रहा हूँ, मज़ा आ रहा है देखने। और ये पूरा प्यारा प्यारा गाँव है यार यहाँ पे, यार कसम से देखो दो दो जर्मन शेफर्ड खेलने पे लगे हुए। बोमदिला 34 किलोमीटर, टेंगा दिरंग 77, तवांग 210। कुछ और 5 किलोमीटर है अभी यहाँ से बोमदिला। वैली एक नंबर लग रहा है लेकिन यहाँ से कुछ भी बोलो भाई साहब, क्या नई ठंड पड़ गई है। यहाँ पे एक जगह पहुँचा हूँ अभी बोमदिला में, ये होटल, ये होटल है, होटल होटल नाम रॉक। तो वही बाइक पार्क कर रहा हूँ, ये गाड़ी अंदर जाएगी तो मेरी गाड़ी साइड में लगा रहा हूँ।
वही गाड़ी पार्क करके जाता हूँ ऊपर, रूम में मिलता हूँ डायरेक्टली। तो रूम बता देता हूँ आपको, रूम का व्यू जी है और फिर रूम सामान सब यहाँ पर है। डबल बेड सिंपल, नॉन एसी है और एसी की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे भाई। तो ठीक है, मैं फटाफट चेंज करता हूँ, फ्रेश होता हूँ और ऑफिस में। मैंने सिर्फ एक करी थाली ऑर्डर किया था, क्या क्वांटिटी है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है भाई, मेरे को डर लग रहा है कि वेस्ट हो जाएगा, मुझे वेस्ट करना। ये रहा एक करी, दाल भी दिया है, सब्जी भी दिया है और पापड़ है और ये राइस इतना सारा, इतना सारा भर के राइस है, इतना ज़्यादा क्वांटिटी दे दिया। ठीक है, खाता हूँ जितना हो सके। सो डिनर कर लिया मैंने कंप्लीट और अभी के लिए हेयर एडिंग करने बैठा था, थोड़ा बचा है जो मॉर्निंग में उठ के करूँगा। और सीन ये कि आंखें बंद हो रही है मेरी और ज़बरदस्त आंखें बंद हो रही है, तो मैं ऐसा करूँगा कि मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठ जाऊँगा, अभी हो रहा है 9:30 तो जल्दी भी उठ भी जाऊँगा, इतना जल्दी सोऊंगा। तो अभी के लिए वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ एंड आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ टू हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अभी के लिए गुड नाइट और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।